नमस्कार, मेरा नाम पिंडो सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, और खेसारी लाल यादव तो छोड़िए, खेसारी लाल यादव के जो साथ में रहने वाले लोग हैं जैसे कि अखिलेश कश्यप, और भोजपुरी के सुपरस्टार गायक प्रमोद प्रेमी यादव में एक नया जंग छिड़ गया है, एक नया विवाद छिड़ गया है। और इस विवाद के पीछे की क्या वजह थी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऑलरेडी आई सेड वीडियो, जस्ट हमारे चैनल पे जाकर आप सभी देख सकते हैं। लेकिन ये विवाद जो मैंने वीडियोस बनाया था उससे पहले और उसके बाद का जो जंग हुआ है वो सच में भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक दुखद है, भोजपुरी समाज के लिए एक दुखद है, क्योंकि गाली गलौज, मारपीट और मामला जो है टकराने तक का हो गया है। आपको पता होगा कि कल प्रमोद प्रेमी यादव लाइव आए थे, लाइव आकर कह रहे थे कि बक्सर में आए हुए हैं, आ जाओ देख लेते हैं कितना तुम में पावर है। तो वहीं अखिलेश कश्यप के टीम के द्वारा, अखिलेश कश्यप खुद के द्वारा इतना गंदा वीडियो शेयर किया गया है, मतलब इतना मतलब हाई लेवल का गाली गलौज किया गया है, जो कि मुझे लगता है कि एक सोशल मीडिया पर एक्सेप्टेबल नहीं है, और मैंने उस वीडियोस को डाला भी नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने वीडियोस को देखा बट मैंने डाला नहीं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितने ज्यादा मतलब एक अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसको मैं बोल भी नहीं सकता हूं। तो ये जंग ये ऐलान हो चुका है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार, भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा इस तरीके की आकर हरकतें कर रहा है, मतलब गाली गलौज, मार पीट, मार थाड़, दबंगई, बाहुबली, इस तरीके की चीजें। अब सोचिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ आगे बढ़ेगी, भोजपुरी इंडस्ट्री गाने से आगे बढ़ेगी, भोजपुरी इंडस्ट्री फिल्मों से आगे बढ़ेगी, भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छे तरीके से बात करने से आगे बढ़ेगी, किस तरीके की नीच हरकत हलकट जो चीजें है वो करने से बढ़ेगी। मुझे लगता है कि इसमें आप सभी को पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और मामलों को सही तरीके से सुलझाने के भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, कई सारे तरीके हैं, आप वहां से सुलझा सकते हैं। नहीं, लेकिन सोशल मीडिया से शुरुआत हुई ये कंट्रोवर्सी, सोशल मीडिया पर ही अड्डा बन गई और सोशल मीडिया पर ही मारपीट, गाली गलौज होने लगा। अब इस तरीके की हरकतें मुझे लगता है कि कोई एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, लेकिन ये हरकतें अगर जो कर रहा है तो उसको भी सोचना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए क्या पड़ेगा। अगर नहीं सोच रहा है तो सिंपल मतलब ये है कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में सोच ही नहीं रहा है। वो खुद सोच रहा है कि हम बाहुबली हैं, खुद सोच रहे हैं कि हम डॉन हैं, जो भी सोच रहा है, जो भी जिसके बीच में कॉन्ट्रोवर्सी है, इससे भोजपुरी इंडस्ट्री को नुकसान ही होगा। चर्चाएं बाहर होगी, लोग करेंगे चर्चा बाहर, अब यूट्यूब पे वीडियोस बनेंगे दबा दबा के, अब हम भी बना ही रहे हैं, भाई बनाना चाहिए, क्योंकि अब भोजपुरी इंडस्ट्री में कॉन्ट्रोवर्सी हो गई तो बात तो बनानी ही पड़ेगी। अब इस तरीके का कॉन्ट्रोवर्सी करके, इस तरीके का विवाद करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? साबित ये करना चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक दबंग इंडस्ट्री बन गई है, बाहुबली इंडस्ट्री बन गई है, कि आप आकर सरेआम सोशल मीडिया पर किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, वो किसी पक्ष के द्वारा हो रहा है, मैं दोनों पक्ष की बात कर रहा हूँ, जिसके भी तरफ से इस तरीके का जो लैंग्वेजेज है, जो एकदम बैड लैंग्वेजेज इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो एक सुलझा हुआ व्यक्ति, समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो ऐसा हरकत जो है एक छोटी मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं, इस तरीके का सोशल मीडिया पर आकर गाली गलौज करना, इस तरीके की हरकतें करना। हालांकि इसमें अब खेसारी लाल यादव की भी एंट्री हो चुकी है, खेसारी लाल यादव का सुबह सुबह जो गाना रिलीज हुआ है उस गाने को लेकर जब लाइव आए थे तो उन्होंने कहा कि इस सब चीज़ में धैर्य रखना चाहिए, हम कलाकार हैं, हम गुंडा नहीं है। तो खेसारी लाल यादव किसको कह रहे हैं ये उनको भी समझना चाहिए कि किसको वो कह रहे हैं, क्या वो प्रमोद प्रेमी को कह रहे हैं कि अखिलेश कश्यप को कर रहे हैं, और अगर ये चीजें हुई तो शुरुआत किसने किया है, ये भी खेसारी लाल यादव को बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर आकर बोल देने से नहीं होगा, आपको बैठा कर समझाना चाहिए हर कोई को, जिसको भी आप इस तरीके का कंट्रोवर्सी करते हैं उनको समझाना चाहिए बैठा करके, इस तरीके का बाबू मत करो, इस तरीके का बाबू मत करो। अब जब विवाद हो गया, गाली गलौज हो गया, किरकिरी हो गई, उसके बाद अगर खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि इस तरीके का, हाँ नहीं करना चाहिए, ये तो सिंपल, एवरीवन नोज कि भाई नहीं करना चाहिए, कौन नहीं जानता है, एक छोटा व्यक्ति भी सोचता होगा कि नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन बाद में आकर लाइव आकर कहने का कुछ फायदा है क्या? मतलब आप गाली गलौज करिए, गाली गलौज आपके सदस्य कर रहे हैं ये बड़ी बात है, और फिर उसमें आकर आप एडवाइस दीजिए, एडवाइजरी जारी कीजिए। मुझे लगता है कि ठीक है, एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, अच्छी बात है, उनकी सोच अच्छी है, खेसारी लाल यादव रिप्रेजेंट करता है कि शायद उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी होगी, वो आकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन
ये हर कोई को रियलाइज होता है कि भैया ये गलत हो रहा है, लेकिन बाद में आकर बोलने का कुछ फायदा है? किसी को गोली मार दीजिए और बोलिए कि ओह सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, मैंने गोली मार दिया, मुझे बड़ा अफसोस है, तो ये कोई बात होता है? तो मर गया सामने वाला व्यक्ति, तो रेपुटेशन तो खराब हो गई ना। आप गाली गलौज करके इतना वल्गर गालियां देते हैं लोग, इतना ज्यादा वो करके, इतना मतलब बदनाम करके रखे हैं, खुद को बदनाम करके रखे हैं यार, वो भोजपुरी इंडस्ट्री से छोड़ो। तो इस तरीके की हरकतों से मुझे लगता है कि बचना चाहिए, और आई नेवर एक्सेप्ट सच टाइप ऑफ थिंग एक्चुअली। तो खेसारी लाल ने लाइव आकर बताया कि इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, हम कलाकार हैं, दबंगई नहीं दिखाना चाहिए। ये किसके लिए कह रहे हैं खेसारी लाल यादव? नाम ले लेते तो बेहतर होगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव किसके साथ है, सवाल ये भी है ना, किसके साथ है? तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, और कलाकार हैं, कलाकारों पर, गानों पर ध्यान देना चाहिए, और ये शुरुआत किसके तरफ से हुई है इस पर भी नजर रखनी चाहिए हम लोगों को। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि आखिरकार शुरुआत किसके तरफ से हुई है। तो ये खैर भोजपुरी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। कोई कब क्या कह देता है, किसको कब क्या कह देता है, कोई अमर्यादा मर्यादा नहीं है इसमें। भोजपुरी इंडस्ट्री है, इसमें सब कुछ चलता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन भोजपुरी इंडस्ट्री। यू हैव टू टेल एनीथिंग, इट विल ओके, हाँ भाई चलो ठीक है, ओके, ये है। और ऐसी मानसिकता रही तो नहीं, विल नेवर प्रोसीड भोजपुरी इंडस्ट्री इन द ग्लोबल लेवल एक्चुअली। तो हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं ग्लोबल लेवल पे भोजपुरी इंडस्ट्री को, तो ये समझनी पड़ेगी। एवरीवन हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस पर कब बोलना चाहिए, बोलना भी चाहिए तो हमारे शब्दों का क्या मर्यादा होना चाहिए। ये अगर कोई नहीं समझता है ना, तो समझिए कि वो तो जाहिल है, गंवार है, अनपढ़ है, और उसको कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब नहीं है। मैं सबको लिए कह रहा हूँ, जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरीके की कॉन्ट्रोवर्सी करता है, मैं सबके लिए बातें कह रहा हूँ। इस तरीके की चीज़ें हलकट चीज़ें हैं ना ये भाई, हलकट चीज़ें हैं। मज़े तो लेंगे लोग, मज़े, भोजपुरी इंडस्ट्री इज नॉट अ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसे मज़ा इंडस्ट्री हो गई है, मतलब मज़े लेने वाली इंडस्ट्री हो गई है। हर हफ्ते आपको एक नया नया विवाद मुँह उठा के आकर कुछ भी कोई कुछ बोल दे रहा है, मतलब मर्यादा ही नहीं है, मतलब समझ रहे हैं, एक जो आपकी एक प्राइवेसी होती है, उस प्राइवेसी को भी लोगों के सामने उजागर कर दे रहे हो। तो सोचो आपके सामने क्या बचा है, लोग आपको मिलेंगे, लोग आपके सामने तो किस नज़र से आपको देखेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा ना। मान लीजिए आपने किसी का MMS वीडियोस देख लिया, और उसके सामने आप जाएंगे तो उस व्यक्ति के प्रति आपकी नज़र क्या होगी, मतलब समझ रहे हैं, आपकी नज़र अच्छी तो होगी नहीं उस व्यक्ति के प्रति। लेकिन अब जब हर कोई इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, वो MMS नहीं बल्कि इट इन फॉर्म ऑफ गाली ग्लॉस एब्यूज टर्म का इस्तेमाल, और उस सिचुएशन में आप जो है आकर इस तरीके की हरकतें करेंगे, तो लोग आपको किस तरीके से देखेंगे, किस नज़रिए से देखेंगे? मुझे लगता है कि वो अच्छी प्रोस्पेक्टिव तो नहीं बनेगी, अच्छी सोच लोगों के आपके प्रति तो नहीं बनेगी। तो ये चीज़ सचना चाहिए यार, मतलब आप जब नामी हो गए हैं ना, तो आपको और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, रेपुटेशन ध्यान देना पड़ता है कि हमारा रेपुटेशन क्या है, हम किस तरीके की चीज़ों पर बोलें, किस तरीके की चीज़ों पर ना बोलें। लेकिन अब क्या करिएगा, अब यही है, अब इस पर कुछ बोलना भी बड़ी मुश्किल है, ज़्यादा बोलिएगा तो आप भी बदनाम हो जाइएगा। खैर जो भी है, अपार्ट फ्रॉम दैट, चॉकलेटी जो सड़िया है गाना खेसारी लाल यादव का रिलीज हुआ है सारेगा महा भोजपुरी पर, ट्रेंडिंग में भी आ गया है, गाने को एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए, और ये सारी चीज़ें हैं तो वो भी मज़े कीजिए। बस अब क्या कह सकते हैं, जब कोई सामने वाला व्यक्ति ही सुनने को तैयार नहीं है तो आप भी मज़े कीजिए, ठीक है? चलिए बताइए, अपनी राय बताइएगा, धन्यवाद।